हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल टर्म्स ऑफ स्कैम 1992 में। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उस मूवी का सबसे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट और इवन हर्षद मेहता के करियर का सबसे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट, दैट 500 करोड़ स्कैम ऑफ SBI। ये 500 करोड़ का मैटर था क्या, उससे पहले उसका बैकग्राउंड कि एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से होता है उसके अंदर। उस मूवी के अंदर आपने एक सीक्वेंस देखा होगा जहां पर हर्षद मेहता पोलो नाम की एक कंपनी होती है, उस पोलो के कंपनी के ओनर से जाकर मिलता है और उनको बोलता है कि भाई आपका जो आज शेयर 22-23 रुपीज़ का है, इसको मैं बढ़ा करके 300 रुपये का कर सकता हूँ। उसमें वो उसके ओनर्स को कन्विंस करने की ट्राई करता है। उसमें उसका ओनर पूछता है कि भाई इसके बदले में आपको क्या चाहिए, तो बोलता है कि मुझे परसेंटेज स्टेक चाहिए, मीन्स उसमें आपको कुछ शेयर, मुझे शेयर्स आपकी कंपनी के चाहिए उसके अंदर। एनीवे वो उनको कन्विंस कर देता है। जब ये बात उसके ब्रदर को मालूम पड़ती है तो उसका ब्रदर अश्विन मेहता उससे आकर पूछता है कि भाई जो तू ये पोलो के शेयर्स को ACC के शेयर्स की तरह बढ़ाने का प्रॉमिस करके आया है, इसके लिए फंड कहाँ से आएंगे। तो बोलता है देखो इसमें से कुछ फंड तो उसका ओनर ही दे देगा। तो अश्विन मेहता बोलता है कि भाई पूरा फंड थोड़ी ना दे सकता वो। तो वो बोलता है कि भाई इसके अलावा हम, मैंने म्यूचुअल फंड वालों से बात कर रखी है, प्लस तीसरे नंबर पर बोलता है कि हमारे पास जो शेयर्स रखे हुए हैं ऑलरेडी जो होल्डिंग्स हैं उनको कोलेटरल रख करके वहाँ से बैंक से लोन ले लेंगे, वहाँ से फंड का अरेंजमेंट होगा। और फोर्थ वो बोलता है कि कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो, बट वो डायरेक्टली नहीं, इररेगुलर चैनल के थ्रू या इनडायरेक्ट चैनल के थ्रू करना चाहते हैं, तो वहाँ से भी कुछ फंड ले लिया जाएगा। और वो फिर वो फंड ले भी लेता है और पोलो के शेयर्स मार्केट से परचेस करना स्टार्ट करता है। मार्केट से परचेस करना स्टार्ट करता है तो मार्केट में पोलो शेयर की डिमांड बढ़ती है और उसकी प्राइसेस बढ़ना स्टार्ट हो जाती हैं, जो 300 रुपये तक पहुंच जाती हैं। बेयर गैंग एक्टिव होता है, देखता है कि भाई 22-23 रुपये का शेयर 300 रुपीस पर पहुंच गया, तो नेचुरली भाई जो जिस स्ट्रेटेजी में एक्सपर्ट होता है वो उसी पोजीशन को चलेगा उसके अंदर। तो वो उस शेयर्स की प्राइसेस को तोड़ने की प्लानिंग करते हैं। तो सिटी बैंक कार्टल और जो मनु मुंद्रा के जो सपोर्टर्स होते हैं वो मिलकर के मीटिंग करते हैं और उसमें बुलाते हैं ग्रिंडलेस के बंदे को, ग्रिंडलेस के ट्रेजरी चीफ को या जो मैनेजर जो भी रहता है उसका, मिस्टर वर्मा, और उससे बोलते हैं कि भाई आपके पास पोलो कंपनी के बहुत सारे शेयर्स हर्षद मेहता ने प्लेज किए, मींस कोलेटरल रखे हुए हैं, आप उनको हमें लेंड कर दो, हम मार्केट में उसको ले आएंगे तो प्राइसेस वापस क्या होंगी, गिरना स्टार्ट हो जाएगी। और फिर उसको वो कुछ अट्रैक्टिव ऑफर्स देते हैं और वो रेडी हो जाता है इसके लिए। फिर वो सिटी बैंक जो शेयर्स जो अब ये लेंडिंग ऑफ शेयर्स क्या होती है इसके लिए बाद में किसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। एनीवे फिर वो जो शेयर्स वो मार्केट में आ जाते हैं और मार्केट में वापस आने की वजह से पोलो की प्राइसेस वापस गिरना स्टार्ट होती है। एक सीक्वेंस के अंदर हर्षद मेहता अपने ब्रदर अश्विन मेहता को बोलता है कि भाई ऐसा क्या मार्केट में पोलो के इतने शेयर्स आ कहाँ से रहे हैं, सारे शेयर्स तो हम खरीद कर बैठे हुए 230-208 रुपये पर लेकर आ गए, मींस 22-23 रुपये का डाउनफॉल उसके अंदर आ जाता है ड्यू टू एक्सेसिव सप्लाई ऑफ द शेयर्स। फिर वो मार्केट से कुछ पोलो के शेयर्स मंगवाता है और उसमें मालूम पड़ता है कि भाई ग्रिंडलेस के पास जो शेयर्स उसने कोलेटरल रखे थे वो उसने आगे दे दिए। तो वो अपने ब्रदर को बोलता है कि भाई ये ग्रिंडलेस का काम नहीं है, ये बेयर कार्टेल का, बेयर गैंग का काम है। तो फिर वो बोलता है कि भाई ये काम करो कि इनको 2-3 महीने तक शेयर्स रखने दो, हैमर करके रखने दो, हम 2-3 और इनको ऐसा लगना चाहिए कि हमारे पास फंड पूरा ख़त्म हो चुका है, फिर 2-3 मंथ बाद हम अपनी स्ट्रैटेजी चलेंगे और मार्केट से फिर से शेयर्स खरीदेंगे। नेचुरली जब इतने सारे शेयर्स आपको मार्केट से परचेस करना है, इतना बड़ा मूव आपको मार्केट में लेना है, तो यू नीड अ लॉट ऑफ फंड। तो हर्षद मेहता इसके लिए थर्ड जो अपना ऑप्शन होता है रेडी फॉरवर्ड डील का, उसका यूज़ करता है। देखिए उसके ऑलरेडी बहुत सारे बैंक से अच्छे कॉन्टैक्ट्स बन चुके होते हैं इवन SBI के अंदर। तो SBI के बंदा एक सीतारमन उसको बुलवाता है और ट्रेजरी डिपार्टमेंट का होता है वो, और उससे वो 500 करोड़ रुपए के चेक लेता है। एक सीक्वेंस के अंदर है 499 करोड़ के चेक लेता है। और आपको मैं बता चुका हूँ कि उस वक्त में रेडी फॉरवर्ड डील में एक सबसे बड़ा लूप होल ये था कि बैंक दूसरे बैंक के नाम से चेक इशू ना करते हुए ब्रोकर के नाम से चेक इशू करते थे, और ब्रोकर के नाम से चेक इशू होता था और पैसा ब्रोकर के अकाउंट में 8-10 दिन तक पड़ा रहता था। फिर कोई अच्छी डील मिलती थी तो फिर वो ब्रोकर उनको सिक्योरिटीज पहुंचाता था। तो सीतारमन हर्षद मेहता के नाम से, हर्षद मेहता के नाम से ये 500 करोड़ के चेक ई दे देता उसको। फिर उसी सीक्वेंस में सीतारमन हर्षद मेहता को बोलता है कि सर मुझे इसका SGL नोट दे दीजिए। तो हर्षद मेहता बोलता है कि भाई मैं इसका SGL नोट तो नहीं दूंगा, आजकल कोई देता भी नहीं है, मैं आपको इसका BR दे दूंगा, PNB से, पंजाब नेशनल बैंक से मैं आपको इसका BR दिलवा दूंगा। सीतारमन उसमें बोलता है कि सर आप मुझे जल्दी से इसका BR दिलवा दें, क्योंकि बुक्स क्लोज होने से पहले पहले मुझे इस 500 करोड़ की बुक्स में एंट्री करना पड़ेगी
अब देखिए 500 करोड़ रुपीज़ का पेमेंट इशू हो गया, लेकिन अभी तक बुक्स में कोई एंट्री नहीं है उसकी, तो 500 करोड़ की मुझे एंट्री करना पड़ेगी और मुझे वहाँ पर सिक्योरिटीज़ दिखाना पड़ेगी। एक्चुअली मैकेनिज्म क्या होता है कि अगर 500 करोड़ रुपीज़ का कैश SBI के पास से गया है, तो इसके बदले में सेकेंड इफेक्ट में उसके पास 500 करोड़ रुपीज़ की सिक्योरिटीज़ आना चाहिए, जो नहीं आती है। वो बोलता है कि आप मुझे सिक्योरिटीज़ ला कर देंगे या BR ला कर देंगे तो मैं इसको अपनी बुक्स के अंदर एंट्री करूँगा। मीन्स तब तक उस बुक्स के अंदर कोई एंट्री अल्टीमेटली नहीं होती, और वो बोलता है कि भाई बुक्स में एंट्री होने के बाद में फिर हम इसको PDO पहुंचाएंगे, PDO में जाकर के बुक्स टैली होगी। बुक्स टैली होने का मीनिंग होता है कि देखिए एक पंजाब नेशनल बैंक है और एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, दोनों की PDO के अंदर एक एक सब्सिडरी जनरल लेजर होता है। तो ये सब्सिडरी जनरल लेजर के अंदर मान लें अगर ये ट्रांजेक्शन सब कुछ सही है, तो जब SBI 500 करोड़ का पेमेंट PNB को करेगा तो PNB इनफ्लो ऑफ कैश दिखाएगा, इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ सिक्योरिटीज दिखाएगा कि हमने सिक्योरिटीज किसको बेची है, SBI को, और SBI अपने SGL के अंदर इनफ्लो ऑफ सिक्योरिटीज दिखाएगा 500 करोड़ की और आउटफ्लो ऑफ कैश दिखाएगा। लेकिन कैश का आउटफ्लो तो हो गया, अब जब तक सिक्योरिटीज नहीं मिलेंगी उसको आप बुक्स में रिकॉर्ड कर नहीं सकते। तो हर्षद मेहता बोलता है कि ठीक है मैं आपको 2-4 दिन के अंदर सिक्योरिटीज भी ला दूंगा, फिर वो मैटर क्लोज हो जाता है। फिर जब वो पैसा आता है तो हर्षद मेहता फिर से मार्केट के अंदर पोजीशन लेना स्टार्ट करता है और पोलो के शेयर्स लेना खरीदना स्टार्ट करता है। उसके ब्रदर को मालूम पड़ता है तो उसके ब्रदर पूछता है कि भाई मुझे पता लगा है कि हम हर जगह से पोलो के शेयर्स उठा रहे हैं, फंड कहाँ से आया? तो बोलता है मैंने SBI से लिया है 500 करोड़। तो उसका ब्रदर पूछता है कि भाई तुमने इतनी बड़ी अमाउंट की BR तुझे कौन सा बैंक देगा? तो बोलता है कि भाई हम कोई फर्स्ट टाइम तो यूज़ नहीं कर रहे, थोड़े दिन में मैं इस मनी को रिटर्न कर दूँगा। उसका ब्रदर बोलता भी है कि भाई देखना हम फंसेंगे इसके अंदर और बहुत ज़्यादा हम एडजस्टमेंट्स करते जा रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम इसके अंदर फंस जाए उसमें। एनीवे जब मार्केट से वो लोग शेयर्स परचेस करना स्टार्ट करते हैं तो फिर से मार्केट में बुलिश रन आता है और पोलो के शेयर्स की प्राइसेस बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब जब बुलिश रन आता है तो RBI जो होता है वो बड़ा कंसर्न होता है इस मामले में कि भाई मार्केट के अंदर से पैसा नहीं, एक शॉट में दिखाया भी गया है कि वो बेयर गैंग का एक ब्रोकर जो है वो RBI गवर्नर से बात करता है, तो RBI गवर्नर कंसर्न होता है कि भाई मार्केट में मनी तो है नहीं, फिर ये हर्षद मेहता इतने सारे शेयर्स परचेस कहाँ से करता है, इसका कोई आप इसका सोर्स ऑफ फंड आप मुझे बताओ। तो बोलता है कि भाई मुझे तो नहीं पता, थोड़े दिन पहले इसके यहाँ पर इनकम टैक्स की रेट पड़ी थी, आप इनकम टैक्स कमिश्नर को बुला करके पूछ सकते हैं। RBI गवर्नर इनकम टैक्स कमिश्नर से जब पूछता है तो बोलता है कि भाई हमारे रेट मारने से पहले ही उसको सारी बातें मालूम थी, बट आप एक काम करें उसका SBI में करंट अकाउंट, उस SBI के करंट अकाउंट को आप स्क्रूटिनाइज करें, उसको मॉनिटर करें, उसको चेक करें, इंस्पेक्शन करें, तो आपको जो भी इरेगुलरिटीज़ होंगी वो मालूम पड़ जाएंगी। RBI गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बॉम्बे ब्रांच से उसका करंट अकाउंट स्टेटमेंट बुलवाता है। जब करंट अकाउंट स्टेटमेंट आता है तो RBI गवर्नर बड़ा सरप्राइज होता है कि भाई एक इंडिविजुअल के करंट अकाउंट में इतने हीवी ट्रांजेक्शन्स कैसे हो सकते हैं। इवन उसका जो सबऑर्डिनेट होता है वो सबऑर्डिनेट बोलता भी है कि सर इसमें 40-50 करोड़ रुपीज़ का पेमेंट तो बिल्कुल चेन चिल्लर की तरह पर यूज़ हुआ है, अदरवाइज बहुत बड़े बड़े ट्रांजेक्शन 100 करोड़ 150 करोड़ के। तो RBI गवर्नर बोलता है कि भाई आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बॉम्बे ब्रांच को लिखो कि इसकी पूरी स्क्रूटनी करे और इसको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करो, इसका इंस्पेक्शन करो, और हम भी पैरेलली यही काम करते हैं। ये बात जब RBI में इंस्ट्रक्शंस आते हैं तो नेचुरली जब अकाउंट की इंडिविजुअल अकाउंट की अगर कोई स्क्रूटनी या कोई इस तरह से मॉनिटरिंग होगी तो इस तरह के जो फ्रॉड ट्रांजेक्शन से पकड़े जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ये पैसा तो हर्षद मेहता के नाम से गया है, चेक तो उसी के नाम से जाता है, तो उसमें पकड़ने का डर होता है। सीतारमन हर्षद मेहता को कॉल करके बोलता है कि सर आप RBI के स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है और आपके पूरे अकाउंट की मॉनिटरिंग होती है। फिर बाद में वो मिलते हैं तो वो बोलता है कि सर 170 करोड़ का आपके ऊपर एक लोन है, उस 170 करोड़ के लोन की कल लास्ट डेट है, आप उसका रीपेमेंट करें। हर्षद मेहता बोलता है कि आप एक काम करो, इस लोन को रोल ओवर कर दो, मीन्स आगे कैरी फॉरवर्ड कर दो। तो सीतारमन मना कर देता है कि अब ये लोन आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होता क्योंकि आपके अकाउंट की स्ट्रिक्टली मॉनिटरिंग हो रही है उसमें। और फिर वो बोलता है कि सर ये 170 करोड़ तो आप छोड़ दो, वो 500 करोड़ की तो आज तक मैंने एंट्री नहीं की है जो आपने लास्ट ईयर लिए थे। हर्षद मेहता बोलते भी है कि हाँ मैंने लास्ट ईयर लिए थे, मुझे याद है। तो बोले अगर वो 500 करोड़ का मालूम पड़ गया तो मैं भी फंसूंगा और आप भी फंस जाएंगे उसके अंदर। तो हर्षद मेहता बोलता है कि भाई ठीक है काम करो, 170 करोड़ का पेमेंट तो आ जाएगा आपके पास, लेकिन वो 500 करोड़ बुक्स से बाहर, मीन्स आप उसकी कोई ऐसी एंट्री करें कि वो बुक्स में उसका कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करें। यहाँ से असली खेल शुरू होता है। अब आप देखिए, मैंने आपसे क्या कहा कि SBI के पास 500 करोड़ रुपीस की सिक्योरिटी होना चाहिए। सीतारमन जाता है पब्लिक डेट ऑफिस में, और पब्लिक डेट ऑफिस में वो जब वहाँ से जाकर के एक लेजर निकालता है, सब्सिडरी जनरल लेजर, एक तो SGL होगा किसका, SBI का SGL, फाइन, और एक स्टेटमेंट होता है PDO स्टेटमेंट।
ये पीडीओ स्टेटमेंट जस्ट लाइक अवर बैंक स्टेटमेंट होता है जस्ट फॉर रिकॉन्सिलिएशन. टाइम टू टाइम पीडीओ क्या करता है, अलग अलग बैंक्स को भेजता है सो दैट बैंक कैन रिकॉन्साइल द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज जो उसके पास पीडीओ के अंदर पड़ी हुई है. ठीक है, अब नेचुरली जब ये 500 करोड़ की सिक्योरिटीज आई नहीं है तो पीडीओ की बुक्स के अंदर वो अमाउंट 500 करोड़ से कम दिखाएगा. तो आपने देखा होगा कि वो 1170 करोड़ उसके अंदर बैलेंस होता है. तो पहले स्टेटमेंट निकालता है और स्टेटमेंट में ऑल्टरेशन कर देता है 1170 करोड़ को 1670 करोड़, और फिर एसजीएल सब्सिडरी जनरल लेजर निकाल करके वो इस तरह से उसको कर देता है. मींस 1170 करोड़ को 1670 करोड़ करेंगे तो आपकी सिक्योरिटीज 500 करोड़ से बढ़ जाएगी, है ना. लेकिन प्रॉब्लम अब भी एक रह जाती है कि एसजीएल के स्टेटमेंट में, पीडीओ के स्टेटमेंट में और एसजीएल में तो 500 करोड़ उसको बढ़ा देता है लेकिन जो 500 करोड़ दिए उसकी बुक्स के अंदर एंट्री नहीं हो पाती. यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है. फिर वो लीव लेकर अपने बच्चे के मुंडन के लिए चला जाता है. फिर उसके बाद रिकॉन्सिलिएशन होता है एसबीआई के अंदर, और एसबीआई के अंदर रिकॉन्सिलिएशन होता है तो वहाँ कुछ गड़बड़ मालूम पड़ती है. तो जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट के बंदे होते हैं वो उसके ट्रेजरी हेड खेमानी को बोलते हैं कि सर हमारे यहाँ पर अमाउंट की थोड़ी सी प्रॉब्लम गड़बड़ आ रही है, मीन्स रिकॉन्साइल नहीं हो रहा. बोले कैसे? तो बोलते हैं कि हमारे हिसाब से हमारी बुक्स में, एसबीआई की बुक्स में, हमारे लेजर में जो पीडीओ में सिक्योरिटीज होना चाहिए वो 1744 करोड़ रुपीज़ की होना चाहिए, और जो पीडीओ से जो स्टेटमेंट आया है उसके हिसाब से 1670 करोड़ की सिक्योरिटीज हो रही है. तो मींस टोटल 74 करोड़ रुपीस का अमाउंट मिसिंग है, ये हमें मिल नहीं रहा था. तो हमने जब इसकी स्क्रूटनी करना स्टार्ट की और बुक्स ऑफ अकाउंट चेक की तो मालूम पड़ा कि जो पीडीओ से जो स्टेटमेंट आया है वो 1670 करोड़ का है ही नहीं, वो है 1170 करोड़ का. मीन्स हमारी बुक से 574 करोड़ मिसिंग है. तो खेमानी बोलता है कि स्टेटमेंट दिखाइए. वो बोलता है कि भाई 1670 करोड़ है तो सही. तो उसका सबऑर्डिनेट कामत बोलता है कि सर आप इसको ध्यान से देखें, 1170 को ओवरराइड करके 1670 करोड़ बनाया गया है. हमारी बुक से 574 करोड़ मिसिंग है. मिसिंग मीन्स पैसा गया है लेकिन हमारी बुक्स में उसकी कोई एंट्री ही नहीं है. ये टेम्परेरी ऑल्ट्रेशन सीतारमन ये करता है, ये जो स्कैम जिसको हम बोलते हैं उसके अंदर करता है. फिर वो तो मींस यहाँ पर 500 करोड़ की ये एक्चुअली प्रॉब्लम आ जाती है जो सिक्योरिटीज़ की प्रॉब्लम रहती है. फिर वो अल्टीमेटली सीतारमन को बुलवाते हैं तो वो बोलता है कि भाई बीआर आने, हर्षद मेहता ने बीआर देने का प्रॉमिस किया था बट बीआर मुझे दिया नहीं. तो फिर हर्षद मेहता को बुलाया जाता है और बोलते हैं कि भाई आप इसका पेमेंट करो. तो हर्षद मेहता बोलता है ठीक है मैं इसका पेमेंट एक वीक में कर दूंगा. फिर वो नेशनल हाउसिंग बैंक से लोन लेता है, नेशनल हाउसिंग बैंक से फिर पेमेंट लेता है इन फॉर्म ऑफ रेडी फॉरवर्ड डील, और उसको प्रॉमिस करता है कि मैं ग्रिडलेस से आपको सिक्योरिटीज दिला दूंगा. एनीवे हम बाद में कभी किसी उसमें डिस्कस करेंगे. तो अल्टीमेटली कहने का मीनिंग ये पूरा अपना एसबीआई का 500 करोड़ का मैटर था. कुछ लोग इसको बोलते हैं कि ये स्कैम था, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं साहब अपने हर्षद मेहता अपने इंटेंशन में ऑनेस्ट था, पैसा वापस कर देता लेकिन मार्केट बंद हो गया, अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल नहीं कर पाया. एनीवे हम उस पर बात नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ ये डिस्कस करना चाहते थे कि व्हाट वाज़ द मैटर ऑफ 500 करोड़ ऑफ एसबीआई. तो ये पूरा उसका मैटर था. इन केस अगर आपको कोई डाउट या कोई क्वेरी लगती हो या किसी फाइनेंशियल टर्म में प्रॉब्लम आती हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.